चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर के पास। तो मर गया। मैं तो ब्रेसलेट था जो लैब में मिला था, वो ब्रेसलेट कहाँ चला गया? यही तो गिरा होगा। आए, ये उस शब्द का एक अक्षर है, एक अल्फाबेट। मतलब उस ब्रेसलेट में किसी का नाम होगा और ये उस नाम का एक हिस्सा। ये अक्षर सिर्फ एक अक्षर नहीं, एक कड़ी है उस तक पहुंचने की। कौन है वो? नाम तो अधूरा है, उसमें से आए कहां चला गया? दादी रैना का फोन भी नहीं लग रहा है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन एक बार ना तो कियारा से पूछ ही ले, हो ना हो रैना को इस घर से उसी ने गायब किया है। हाँ किया है, जो कहना है मेरे मुंह पे कही। बेटा तू तो जन्म से इतनी कमीनी है या फिर कमीनेपन के कोचिंग क्लासेस किए हैं? नहीं ये तो तूने मुझे कहा ना, जो भी कहना है वो मुंह पर कहो, इसलिए मुंह पर कह रही। अब तू तो अपने मुंह से बता कि रैना कहाँ है। आई डोंट केयर कि रैना कहाँ है, यू सी वैसे भी ये उसका घर नहीं। वो ब्रह्म राक्षस आजाद घूम रहा है और तुमने उसे इतनी रात को घर से निकाल दिया? नहीं नहीं निकाला नहीं है, वो खुद चली गई, बस मैंने रोका नहीं। और क्यों रोको, घर तो घर तुम्हारे ऊपर भी कब्जा किए बैठी। एंड आई डोंट लाइक दिस। वैसे भी तुम्हारी मम्मा के लिए मैंने सर्वेंट रख लिया ना, सो वी डोंट नीड रहना, यू नो। एंड यू नो व्हाट जसी दादी, व्हाट? जब लोग कमीने हो ना तो कमीना बनना पड़ता है। बेटा वो राक्षस ने इसे खा कैसे नहीं लिया? वो कमीने लोगों को पहले खाता है ना, इसे निवाला कैसे नहीं बना लिया? हाँ पता नहीं रहना कहाँ होगी दादी। सॉरी रैना। सॉरी सॉरी तो मुझे क्यों बोल रहे हो? भुगत तो गांव वाले रहे, और अगर मुझे दर्द हो रहा है तो तुम्हें तो हो ही रहा होगा। हाँ और इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना था, मुझे लगा मैं गांव वालों की मदद कर रहा हूँ। तो मुझसे क्यों नहीं बात की? इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पर? अगर मुझसे एक बार बात की होती तो हम डिस्कस कर लेते कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं। क्योंकि मुझे यकीन था जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तुमने भी तो ऐसा बहुत कुछ किया गांव के लिए जो तुम्हें लगा वो सही था। हाँ किया था मैंने, पर मैंने तब भी किया था जब मैं जानती थी कि अगर नुकसान होगा तो सिर्फ मुझे होगा और किसी को नहीं होगा। एनीवे शिवम मुझे बहस नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। तुम यहीं रुको, मैं ही जाता हूं। वैसे भी मुझे यहां भी शांति नहीं मिली। ये किसकी ब्रेसलेट का टुकड़ा हो सकता है? कौन है जो सच को सामने आने से रोक रहा है, जो भ्रम राक्षस का कवच बन रहा है?
रैना को एक खरोच तक नहीं आई। ब्रह्म राक्षस और परशु ने वो ब्रेसलेट देखने नहीं दिया। ये रैना बहुत ही जिद्दी लड़की है, पूरी तरह से सच्चाई जाने बिना वो चुप नहीं बैठी। इसलिए हमें जो भी करना है अभी करना होगा। ऋषभ पे वार करना होगा और ऐसा वार करना होगा कि वो अधमरा हो जाए, ताकि उसे दोबारा जिंदा करने के लिए रैना उसके पास ही बैठी रहे और तिल तिल करके पूरी तरह से टूट जाए। हमें रैना को पूरी तरह से तोड़ना होगा, ऋषभ पे वार करना होगा। रहना यहाँ थी, शायद वो अरबी यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई है जो ब्रह्म राक्षस की मदद कर रहा है। शायद वो इसी ब्रेसलेट की तरफ इशारा कर रहा था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है चित्ती? क्यों, क्या हुआ? पहले तुम बताओ, तुम इतनी रात को अकेले बाहर क्यों घूम रही थी? तुम्हें पता है ना ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ऋषभ। फिक्र है, बहुत फिक्र है तुम्हारी, नहीं तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तुम मेरे घर में रहती हो, मेरी मॉम का इतना ख्याल रखती हो, मुझ पर बोझ हो, जिम्मेदारी चाहे जो कुछ भी समझ लो, लेकिन प्लीज इसे घर छोड़ के मत आया करो। चलो घर चलो। चलो। क्या बात है, चिंदी ने झगड़ा ही नहीं किया? मैं तो झगड़ा करेगी, घर नहीं जाऊंगी। मैं घर जाऊंगी क्योंकि सच को सामने लाने के लिए मुझे उसी घर में रहना होगा। अब कियारा को अच्छा लगे ना लगे, मैं घर वापस जा रही हूँ। कल मैं ऋषभ को मंदिर ले आऊंगी। सारे जंगली जानवर तुम्हारे वश में हैं ना, तो बस कल तुम पूरा का पूरा जंगल वहां ले आओगे और ऋषभ पे वार करोगे। ऐसा वार करोगे कि उसे अधमरा छोड़ दोगे, ऐसी हालत कर देगा कि उसे अधमरा देखकर लड़की रहना उसके पास बैठी रहे, उसे दोबारा जिलाने के लिए तिल तिल करके तड़पती रहे। वार करो उस पे। अगर ये काम हो गया तो काम तो होकर रहेगा, क्योंकि अब वो शक्तियां हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मोहिनी को सबसे शक्तिशाली बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। काम मर गई नैना। ढोंगवारी पकड़ लिया। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कहीं ब्रह्म राक्षस तो नहीं। ब्रह्म राक्षस? मैं राक्षस लगता हूं तुम्हें? दम है बाबू आपकी आवाज में, दिल धक धक करने लगता है। कहिए ना बाबू, कुछ चाहिए आपको? कुछ चाहिए था आपको? हाँ, सोडा। अभी लाए?
लीजिए बाबू सोडा। झाग वाला। थैंक यू। अरे बाबू आपको कुछ और भी चाहिए हो तो कमो को बस आवाज दे दीजिएगा। कमो आपकी कमर में, मेरा मतलब कमरे में हाजिर। चेयर्स। साथ में ब्रेकफास्ट करें। तुझे याद था रिश? कैसे भूल सकता हूं? ताकि ये फेवरेट ब्रेकफास्ट इंग्लिश मफिन। बहन देख मैं तेरे क्या लाया, तेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट इंग्लिश मफिन। हैप्पी बर्थडे। याद है बचपन में तो हमेशा उसके मफिन्स लेके भाग जाता था, इसीलिए सुबह से मैं उन्हें छुपा देती थी। दिन भर वो रोते रहते। उसके जाने के बाद मैंने आज तक नहीं खाए। कभी कभी ऐसा लगता ही नहीं कि राखी अब हमारे साथ नहीं है। दिल मानता ही नहीं कि वो अब नहीं है। आज मैं किचन से मफिन लेके आ रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक आएगी कहीं से, बोलेगी भाई तो मेरी मफिन है, इसे टच भी मत करना। मैं ना सोच रही थी रिशा, आज राखी का बर्थडे है ना बेटा, तो हम गांव के मंदिर में इसके लिए पूजा करेंगे। हाँ करनी चाहिए। सुना, चलो चलो तुम भी पार्टिसिपेट कर लो, पूजा करनी है। पूजा दान पुण्य अरमान तो अच्छे, लेकिन मोहिनी तुम्हारा भाई 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया है। अब हमारे दान देने के नहीं दान लेने के दिन आ गए। यही तो ढूंढ रहा था। राक्षस मुक्ति योग तो बहुत खतरनाक है। 21 सामग्रियां ना कठिन यज्ञ, इसके बारे में आज तक कभी नहीं पढ़ा। ये सामग्रियां बुन गुलाब शरबत, गेंदे के फूल का रस, शेर का नाखून, कौवे की पूंछ के पंख, इंसानी खून। नीचे चेतावनी भी है, ये यज्ञ ब्रह्म राक्षस का विनाश कर देगा, पर इसके लिए बलिदान देना होगा।
पर एक ऐसे इंसान का बलिदान जिसकी आत्मा पवित्र हो, जिसके लक्ष्य नेक हो, जिसकी सोच सच्ची हो, मैं करूंगा ये यज्ञ, मैं दूंगा अपना बलिदान। मैं सच बोल रही थी, अपनी जान भले ही चली जाए लेकिन किसी दूसरे की जान नहीं जानी चाहिए। ये तो शादी के गहने दिख रहे हैं जी, तो इसे बेच क्यों रही हो? गिरवी रख दो। फिर चुराने के लिए पैसे नहीं होंगे मेरे पास, वो पूजा करनी है मुझे मेरी ननंद की, मतलब मेरी दोस्त की जन्म तिथि है तो पूजा करनी है, दान पुण्य करना है। ठीक है, मैं इसे गिरवी रख रहा हूँ, जब कभी जुगाड़ हो जाए तो छुड़ा लेना। ये लो। शुक्रिया। ये तो शहरी डिजाइन के जेवर हैं, यहाँ इस टाइप के नहीं बनते हैं। अच्छा, तो आप गहने का डिजाइन देकर बता सकते हैं कि वो कहाँ के हैं? जौहरी का काम होता है परखना, और कमलपुरा में एक ही जौहरी हूँ, सबके जेवर मैं ही बनाता हूँ। तो अगर मैं आपको कुछ दिखाऊँ तो आप बता सकते हैं कि आपने किसके लिए बनाया? हाँ हाँ, देखते ही बता दूंगा। हीरे की चूड़ी बहुत महंगी लगती है, लपक ले कमो। चोरी? हाँ, चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो मेरी बैंगल तुम्हारे पास क्या कर रही है? वो मैडम जी, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। अरे बाबू, मुझे ये चूड़ी नीचे गिरी हुई मिली, मैं तो इसे साफ कर रही थी। हाँ। देखो झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मेरी बैंगल अपने पल्लू में छुपा रही थी ना? नहीं नहीं, कसम से मैंने कोई चोरी नहीं की। चोर थोड़ी ना, काम करने आई है। सॉरी, जा। नहीं, ये मैंने नहीं बनाए, ये 24 कैरेट है। मैडम ये गांव है, यहाँ इतना महंगा कोई नहीं खरीदता। जैसे जयपुर हैदराबाद की कारीगरी पारंपरिक होती है, और ये मॉडर्न डिजाइन है, पक्का शहर का है। शुक्रिया। मतलब ये घर में से ही किसी का है? जिसका भी है उसके नाम में ये आई लेटर आता है। आई किसके नाम में है? आई तो सबके नाम में है, मिताली, नैना, कियारा। ही कियारा तो नहीं हो सकता है, पर बिना सबूत के किसी पे इल्जाम कैसे लगाऊं? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? आंटी, राखी और मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। इनफैक्ट मेरे लिए तो वो मेरी फ्रेंड से ज्यादा बहन जैसी थी। उसे मौत से तो बचा नहीं पाई, लेकिन जन्म तिथि तो मना सकती हूँ ना? प्लीज प्लीज ये रख लीजिए। यकीन नहीं होता रहना, तुम इतना सब कुछ हमारे लिए करोगी? थैंक यू। आओ कमो, ये बेड साफ करो और यहाँ पे रूम फ्रेशनर डालो।
यारा वो ये पैसे रहना ने दिए हैं। आज राखी का बर्थडे है ना, तो मैं सोच रही थी कि। लेकिन तुमने शादी के गहने बेच दिए, इन पैसे कहीं और से भी आ सकते थे, लेकिन शादी के गहने बेचने की क्या जरूरत थी? जब रिश्ता ही सच्चा नहीं था तो सेठों का क्या करूं? वैसे भी इस वक्त पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। राखी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। आंटी मना मत कीजिए, प्लीज ये पैसे रख लीजिए। पैसों की इतनी ही जरूरत थी आप लोगों को तो मुझे कहते ना, मैं देती। ये इतना सब चीप ड्रामा देखने की जरूरत नहीं थी। मेरा एक ब्रेसलेट ही काफी था। मैं ये फालतू टाइप की ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ तुम्हारे टाइप की। आई ओनली वेयर रॉयल डिजाइन्स, एंटीक स्टफ, यू नो, एक्सपेंसिव। दिस इज कॉल्ड क्लास। कहीं वो कियारा तो नहीं? लोग तो सिर्फ कहते रहते, लेकिन आज तूने जो किया है ना, बाकी बेटी का फर्ज निभाया। ऋषभ तेरी मौत की तैयारी कर रही है उसी पूजा में जिसे रैना ने स्पॉन्सर किया है। सुनिए ये जरा मंदिर में रख दोगे? थैंक यू। मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? मिताली वेद कहाँ है? वो अभी भी पापा के गम में, पता है वो सोच रहा था कि वो शायद पैसों की कुछ हेल्प कर पाता, कोई जॉब ही कर पाता तो शायद पापा को आज चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिताली तो वो सब छोड़, तू ठीक तो है ना? चल मेरी मदद कर। मिताली तुझे ज्वेलरी का शौक नहीं है? है ना, मुझे चांदी पहनने का बहुत शौक है। पता है पापा कहते थे कि वो मेरे लिए गोल्ड की बहुत सारी ज्वेलरीज बनाएंगे, पर मुझे चांदी ज्यादा पसंद है। अच्छा मैं आती हूँ। वो मिताली तो नहीं हो सकती, फिर कौन है वो? रहना बेटा तू अब तक तैयार नहीं हुई है? दादी बस अभी जा रही हूँ। सुन बेटा, मुझे पता चला तूने क्या किया। तूने जो किया वो और कोई नहीं कर सकता। छस्सी दादी के हाथ में तो सिर्फ चूड़ियां हैं, इन पे शक करके अच्छा नहीं किया। दादी दादी आप सबसे मिलने से पहले ना मुझे पता ही नहीं था परिवार क्या होता है, परिवार का प्यार क्या होता है। तो अपने परिवार के लिए इतना करना तो मेरा हक बनता है ना। So sweet. चलिए मैं जाकर रेडी होती हूँ। जा। कौन हो सकता है वो? किसका ब्रेसलेट हो सकता है? पूजा के लिए कपड़े निकाल लेते हैं। ठीक ये तो मेरे रिसेप्शन का एल्बम है, इसमें जरूर उस इंसान ने वो ब्रेसलेट पहना होगा। वो ब्रेसलेट Thank you.
मैंने देखा ही नहीं, मैंने सच में नहीं देखा। मैं सुबह से तुमसे मिली नहीं थी, इसलिए चाय लेकर आ गया। भाभी भाभी इट्स ओके, इट्स रियली ओके। सॉरी मैम, मैं अभी साफ कर देती हूँ, तुम ठीक हो ना? ये आपके हाथ पे निशान कैसे? वो चूड़ी चूड़ी टूट गई थी तो इसलिए निशान आ गया। रेना तुम तैयार होके नीचे आ जाओ, चाय नीचे पी लेंगे। हाँ आ जा। नैना भाभी, एन ए आई एन ए आई, कहीं वो ब्रेसलेट नैना भाभी का तो नहीं? नहीं नहीं, नैना भाभी कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, पर कुछ कह नहीं सकते। जिस पर शक नहीं होता ना, आखिर में गुनेगार वही निकलता है। किसका ब्रेसलेट हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जजमान, पूजा के लिए चंदन की लकड़ी लाए हैं? जी पंडित जी, ऋषभ बेटा कार में है, ले आओगे? हाँ मां, मैं ले आता हूँ। I'll help you। अरे ठीक है, मैं ले आता हूँ ना, I'll manage। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ ना। कितना अजीब सा क्यों लग रहा है?
कुछ चौपट हो गया। उस रैना को क्या जरूरत थी खून बहाने की? अब जो मुझे चाहिए वो कैसे मिलेगा? अच्छा हुआ तो ठीक है आंटी, आज आपने मेरी जान बचा ली वरना मैं तो आज। मेरी जान मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रैना, तुझे कभी भी कुछ नहीं हो। चलिए ना डॉक्टर। आइए डॉक्टर, आप ही का वेट था। I'm glad आप जल्दी टाइम से आ गए। मेरे हस्बैंड को चोट लगी है। मैं यहां क्यों रुकी हूं? डोंट वरी, कोई हड्डी नहीं टूटी। थैंक गॉड। लेकिन डॉक्टर प्लीज आप इनसे कह दीजिए कि घर से बाहर नहीं जा सकते। मैं ये बैंडेज बांध देता हूं, इससे आपको आराम मिलेगा। और मैं कुछ दवाइयां लिख के देता हूं, आप प्लीज मंगवा लीजिए। हाँ प्लीज टेक रेस्ट। ओके थैंक यू। बाय। थैंक यू। प्रॉमिस करो कि अब घर से बाहर नहीं जाओगे। सब जा चुके हैं कियारा, अभी नाटक बंद करो। ड्रामा मतलब क्या? तुम सबको दिखाती हो कि तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। जब उस राक्षस ने अटैक किया तो तुम अपनी जान बचा के वहां से भाग खड़ी। ऑब्वियसली ऋषभ, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है और खुद को डिफेंड करने का पूरा हक है मुझे। हाँ हक तो मेरा भी है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो तुम्हें ऐसा छोड़ के भागता नहीं, क्योंकि तुम मेरी दीदी हो। इसलिए ड्यूटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और सबसे बड़ी बात मेरे अंदर इंसानियत है जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? यू नो व्हाट, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। जब दुनिया के सामने प्रूव करने का वक्त आता कि तुम उसे प्यार करती हो तो वहां से भाग खड़ी होती हो। तुम प्यार करती हो। क्या चाहते हो? लुक एट मी, क्या चाहते हो तुम कि अपना प्यार प्रूव करने के लिए मैं खून से तुम्हारा नाम अपने हाथ पे लिख के घूमूं? नहीं, दुनिया वालों के सामने मुझसे प्यार करने का नाटक बंद करो, सबको दिखाना ये बंद करो कि ये शादी तुम्हारे लिए मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो झूठ मत बोलो। शिवम, तो ये किताब तेरे पास कहां से? तू जहां का रहा है हा? बोल कहां जा रहा है तू? कनक राज्य के बाहर जा रहा हूं मां। नहीं, पहले मुझे सच बता, कहां मेरे सर की कसम, और बता तू कहां जा रहा है? मुझे जान दो प्लीज। मुझे सच बता तू कहां जा रहा है? वही करने जा रहा हूं जो आप चाहती थी मैं करूं, इस गांव को ब्रह्म राक्षस से बचाने के लिए। इसीलिए आपने ब्रह्म विद्या पढ़ने भेजा था ना मुझे? हाँ, लेकिन बेटा ये सब यज्ञ, ये सामग्री तू जानता है ना इस यज्ञ में क्या होता है? बेटा जो इंसान ये यज्ञ करता है वो जिंदा नहीं बचता। जानता हूँ माँ। शिवम, शिवम मेरी बात सुन। शिवम, 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 शिवम रुक जा बेटा। शिवम, शिवम रुक जा बेटा, बच्चा मेरी बात सुन। माँ मुझे ये यज्ञ करना ही होगा, इस गांव के लिए, सबके भले के लिए। शिवम तू जानता है ना, तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, समझ कर। शिवम मत जा, मत जा, अपने माँ की बात सुन ले बेटा, मत जा। देख बेटा तू जानता है ना मेरा तेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। माँ मैं आपको रहना के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं शिवम, ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ छोड़ती हूँ, मत कर ऐसे। शिवम,
रैना, रैना अपने कमरे में भी नहीं, कहाँ गई? क्यों? ये आवाज तो इन भैया के कमरे से आ रही है। कैसे मारूं इस ऋषभ को? इस तरह बार बार हमारा हर बार बेकार नहीं जा सकता। बस एक मौका, एक ऐसा मौका, एक ऐसा बार जहां रहना उसके साथ ना हो। कैसे मिलेगा ये मौका? मुझे मिल गया। ब्रेसलेट? ब्रेसलेट कौन सा ब्रेसलेट? अगर मैं आपको सबके सामने बताती तो आपको बहुत बड़ा धक्का लगता, बहुत बड़ा तमाशा हो जाता। पर आज नहीं तो कल सच सबके सामने आना ही। कब तक छुपेगा छुपने वाला? अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। ये आए, ये उसके नाम का एक हिस्सा है, एक अक्षर है, जिसका ये ब्रेसलेट है। और वो कौन है मैं नहीं जानती, उसे हमें ढूंढना होगा। पर ये हमारा सीक्रेट है, अभी हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। रेना, ये डिजाइन तो एकदम मुंबई का लगता है। हाँ, आप सही कह रही हैं, ये मुंबई का ही डिजाइन है, ज्वेलर ने भी यही बोला था। तो कहना क्या चाहती है रेना, कि ये हमारे घर में से किसी इंसान का है? नहीं रेना, मेरा परिवार ऐसा नहीं है। जानती हूँ आंटी, आप अपने परिवार से कितना प्यार करती हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आदित्य अंकल सब कुछ चुरा कर ऐसे भाग जाएंगे, लेकिन वो भाग गए ना। इस घर में वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं हो सकता था। सच कहती है तू, कभी कभी लोग वैसे होते नहीं जैसे दिखते हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है रेना। इसलिए तो आंटी मैं आपको आके सब कुछ बता रही हूँ, ताकि आप अपनी आंखें खुली रखिए। वो जो भी है ना, वो इसी घर में। पर आप मुझसे वादा कीजिए, जब तक हमें सच पता नहीं चल जाता, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। वादा करती हूँ तुमसे, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये राज सिर्फ हम दोनों के ही बीच रहेगा, सिर्फ हम दोनों के बीच। चालाक मत बनो, समझी? फोड़ डालूंगा तुम्हें। कोई है? रेना! 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 क्या हुआ? रेना, मेरे बच्चे को बच्चे ले, शिवम को बच्चे ले। क्या हुआ शिवम को? वो आशुष स्थल चला गया है। क्यों? राक्षस मुख दिखाई यज्ञ करने। ये क्या होता है? ये बहुत ही कठिन यज्ञ होता है, राक्षस के विनाश का आखिरी तोड़। अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो इंसान ये यज्ञ करता है उससे अपना बलिदान देना पड़ता है। तो शिवम अपनी जान दे रहा है?
क्योंकि तूने उस पर इल्जाम लगाया था पैसे लेकर ब्रह्म राक्षस को बेचने का। हाँ लेकिन वो तो ऐसा नहीं था, नहीं था ऐसा। अरे मेरा बेटा तो सिर्फ गाँव की भलाई चाहता था, उसे लगा कि ब्रह्म राक्षस को वैज्ञानिकों के हवाले करके हम ब्रह्म राक्षस को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन उसकी योजना उल्टी पड़ गई। जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ, और जो नहीं सोचा था। देखो मेरा बेटा ना कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता था, कभी नहीं, इसलिए ये सब कुछ जो हुआ ना उसके बाद वो प्रायश्चित करना चाहता है, यज्ञ करना चाहता है, खुद का बलिदान देना चाहता है। मेरा बेटा कह रहा था माँ जाते जाते इसे मर गई से, लेकिन अपने गांव को बचाऊंगा, मैं हाथ छोड़ती हूँ मेरे बेटे को बचाने। मेरा इस दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं है, उसे बचा ले, उसे बचा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। रुक जाओ, रुको। मैं शिवम को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं वापस लाऊंगा उसे। वादा करता हूं आपसे। ऋषभ उठिए, उठिए प्लीज, उठिए प्लीज। ये नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगी, उस भ्रम राक्षस को मारने नहीं दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा।